तो भाई लोग क्या हाल चाल आपके। टाइगर श्रॉफ की मूवी गणपत का ट्रेलर जो है रिलीज हो चुका है एंड एक लाइन में बोलूं तो ये क्या मजाक है भाई। सुपर फी एफएक्स विजुअल्स, फिक्शनल वर्ल्ड, ये रोबोटिक दुनिया ये दिखाना चाहते थे मगर ये कार्टून दुनिया क्या दिखा दी मेरे भाई। तुम खुद एक बार ट्रेलर को ध्यान से देखो एंड बोलो कि क्या नया है इसके अंदर। वही भाई टाइगर श्रॉफ की ओवर एक्टिंग, बकवास से डायलॉग एंड इलॉजिकल से एक्शन जो तुम्हें यहाँ पर भर भर कर देखने को मिलने वाले हैं। एंड इसके ट्रेलर के अंदर ही पूरी मूवी की स्टोरी स्पॉइल कर दी है एंड इन्होंने खुद ही बता दिया इसके अंदर कोई स्टोरी होने नहीं वाली है। मतलब वही घिसटता जा रहा है, वही लव स्टोरी, वही फिर उनको बिछड़वा देना एंड फिर वही अपने हीरो का पुनर्जन्म, फिर वही वो बदला लेगा। यही यार विकास भाल, इतने तगड़े डायरेक्टर से ये उम्मीद नहीं थी। अपने टाइगर श्रॉफ की कुछ टाइम पहले भैरंडा मूवी आई थी जिसका नाम था हीरो पंती 2 एंड उसके अंदर थे वो बबलू एंड वही बबलू अब गुड्डू बनकर आ चुका हमारा दिमाग खराब करने। ट्रेलर के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिक्स पैक है एंड लाख घुसे और मुक्के है और कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं। अच्छे अच्छे बड़े बड़े एक्टर है लेकिन थोड़ा सा भी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता ट्रेलर को लेकर, हल्का सा भी घूस बम्स नहीं देता। मतलब कुछ भी हो रहा यार, कुछ भी ना इसका बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, ना ही वीएफएक्स विजुअल्स अच्छे है। कहां से 2070 की दुनिया लग रही है तुमको, कहां से टूटी फूटी बिल्डिंग दिखाकर तुम बोल रहे हो कि भाई फिक्शनल वर्ल्ड बहुत ही अलग। भाई साहब क्या है ये, कहने का मतलब था भाई साहब दुनिया खत्म हो चुकी है, उनको बचाने के लिए अपना हीरो आएगा। गरीब काफी गरीब है और अमीर काफी अमीर, अत्याचार हो रहे हैं लेकिन यहाँ पर सस्ती आस की फुल लॉन चल रही है। एंड सोशल मीडिया पर भाई इस मूवी का गाना आ चुका है एंड गाना सुना ना मैंने, और तुम भी सुनोगे तो तुम्हारे कान फट जाएंगे। अबे कान बोल रहा हूँ मैं, एंड अच्छा ही होगा भाई ऐसे गाने नहीं आए मूवी के अंदर। एंड भाई इस मूवी का बजट 200 करोड़ बताया जा रहा है। अबे क्या सस्ते वीएफएक्स लपेट कर 200 करोड़ बता रहे हो, डिस्टोपियन बता रहे थे ना, पहली इंडिया की डिस्टोपियन मूवी हो गया जी घंटा मेरा, क्या चल रहा है भाई ये, क्या बकवास दिखा रहे हो। एंड डायलॉग के बारे में बोलूं तो भाई मजाक कर रहा है, लिटरली मजाक। एंड भाई सब ये लोग इस मूवी का क्लैश लियो के साथ करने वाले हैं। जी हाँ, तलपति सर की लियो के साथ, उसका भी ट्रेलर आया था भाई कुछ दिन पहले, सोशल मीडिया हिला दिया था, कंटेंट में था मैं भाई, लेकिन इसके कंटेंट को देखकर सिर में दर्द होने लग रहा है मेरे। हर ढोल तो बजेगा एंड लियो गणपत का लिटरली ढोल बजाने वाली है। एंड क्या डायलॉग है भाई इसके अंदर, अपने लिए जो लड़ता है वो हीरो नहीं होता, जो भाई साहब अपनों के लिए लड़ता है वो हीरो है। अबे बस कर यार, क्या बोल रहा है तू, क्या बोल रहा है, अपनों पे आती है तो ज्यादा मारता हूं। अबे क्या यार, अबे इस तरह के डायलॉग हो गए तो मेरा बस हो गया भाई। एंड कृति सैनोन तो भाई मूवी में शायद ग्लैमर के लिए ले रखी है, वो कर क्या रही है उसे उसको खुद भी नहीं पता यार। एंड दोस्तों मूवी के अंदर अमिताभ बच्चन जैसे लेजेंडरी एक्टर है लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी मजा नहीं आ रहा ट्रेलर को देखने में, क्योंकि सही से यूज ही नहीं किया है, कोई डायलॉग नहीं दिया, कोई स्टोरी नहीं दी है, सिर्फ और सिर्फ लपेट दिया कि लोग देख लेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता यार मेरी शान। तो ऑल ओवर गणपत मूवी का ट्रेलर मुझे तो काफी बकवास लगा, पहले थोड़ी एक्सपेक्टेशन थी क्लिकबेट टीजर को देखकर जो कि खत्म हो चुकी है। कुछ बच्चियां बोल रहे होंगे तूने टाइगर भाऊ को कैसे बोला ये वो, अबे ऐसे कराओ यार भाई, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। टीजर अच्छा था तो एप्रिशिएशन भी काफी मिली एंड ट्रेलर भाई घटिया है तो गालियां भी अच्छी मिली। भाई साहब मैं तो इसको लिटरली नहीं देखने वाला अगर ऐसा कुछ हुआ, बाकी रिव्यू काम है देख लेंगे। वैसे कि आपने गणपत का ट्रेलर देखा, आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा।